सबसे ज़्यादा मुझे आप सबकी रिक्वेस्ट यही आती है कि दी आप अपना वीडियो कैसे शूट करते हो। हमें स्टिचिंग तो आती है पर वीडियो बनाना नहीं आता। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टूडियो सेटअप शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आशा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीन से। ये मेरे पास अम्ब्रेला मशीन है रीटा कंपनी की, तो इसी में मैंने अपनी सिलाई सीखी है। पहले मम्मी सिलाई करती थी इस मशीन में, अभी मैं करती हूँ इस पर, और आप लोगों को इसी में वीडियोस देखना बहुत पसंद है। उसके बाद दूसरी जो मेरे पास मशीन है मेरिट की, सिंगर मेरिट। यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद ये मशीन मुझे मिला। पहले मैं क्लास भी देती थी, तो ये दोनों मशीन में स्टूडेंट काम करते थे, तो जल्दी जल्दी काम भी होता था इस पर। और इसका जो मोटर है ना, वो मैंने ब्लैक वाली मशीन में लगा ली, क्योंकि मोस्टली मैं यही मशीन चलाती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस पे लगा ली मोटर। सेकेंड हैंड मशीन है, तो इस पे ना ब्राउन कलर की बोर्ड लगी हुई है। मैंने इसको क्या किया, रेक्सिन से, ब्लैक कलर की रेक्सिन से इसे मैंने कवर कर ली है, देखने में अच्छा लगता है। अब चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं वीडियो शूट करती हूँ। मेरे पास माइक्रोफोन स्टैंड है, इसे मैं एज अ ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग में मैं ये ट्राईपॉड यूज़ करती थी, बट इसका हाइट बहुत कम है। टॉप से मुझे अगर कुछ शूट करना है या फिर मशीन का क्लोज शॉट कुछ लेना है, तो मैं वो नहीं ले पाती थी। ये ट्राईपॉड आप देख सकते हैं टूटा भी है, बट मैं ऐसे सेलो टेप लगा कर इसे मैं काम चला लेती थी। उसके बाद मैंने एक जुगाड़ लगाया, तो मैंने क्या किया, ये ट्राईपॉड का माउंट इसे खोलकर मैंने यहाँ पर लगा दी। थोड़ा सा लूज़ होता है, बट मैं इस पर टेप वेप लगाकर मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। मेरा काम बहुत अच्छे से इससे चल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैं इस एंगल में रखती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ऐसे मैंने रखा मोबाइल को, मैंने वीडियो प्ले कर दिया। तो साइड में आपको दिख रहा होगा कैसे मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो शूट करती हूँ। 60 सेकेंड की जो वीडियो है वो मैं कैसे शूट करती हूँ आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है ये मेरी कटिंग टेबल है, जो कि एडजस्टेबल है। इसे मैं मेरे हर स्टोरी, इंस्टा स्टोरी पे, पिक्चर्स में पीछे में आपको दिखता होगा ये वाला। इसके ऊपर मैं कटिंग करती हूँ, कभी कभी मैं इसे नीचे रखकर कटिंग करती हूँ, कभी कभी स्टैंड के ऊपर रखकर कटिंग करती हूँ। जैसे मेरा दिल करता है वैसे मैं इसे रखती हूँ। अब यहाँ पर मैं रिंग लाइट को सेट कर रही हूँ। मेरे पास डिजिटेक का 18 इंच का ये रिंग लाइट है। बैक से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ है, और यहाँ से आप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस हाई लो कर सकते हैं, एंड वार्म और कूल भी कर सकते हैं। वैसे घर पे बहुत सारी लाइट्स लगाई हैं मैंने, बट मुझे रिंग लाइट का बहुत शौक था, तो इसीलिए मैंने ये रिंग लाइट खरीदी है। मेरे लॉन्ग वीडियो के लिए, फुल वीडियो के लिए, जो आप लोग कहते हो फुल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो चाहिए, तो उसके लिए मैं दूसरी ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ। ट्राईपॉड नहीं, एक्चुअली इसे बूम स्टैंड कहते हैं। तो ये हैरिजन का बहुबली बूम स्टैंड है। इसका हाइट 9 फीट तक है, और आप इसे ओवरहेड शूट भी कर सकते हो, जिस वजह से मैंने ये ट्राईपॉड खरीदा है। इस एंगल में भी आप इसे शूट कर सकते हो। और भी बहुत सारे इस तरह के बूम स्टैंड हैं, बट इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एयर कुशन सिस्टम है, तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप इसके लॉक्स को खोल देंगे तो ये धीरे धीरे से नीचे आ रहा है, एकदम से नीचे नहीं आएगा। उससे रिस्क हो सकता है आपके हाथ में चोट वोट भी लग सकती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये यहाँ पर इसके कुछ लॉक्स वॉक्स हैं, फीचर्स हैं, जिसे आप ऊपर नीचे हर एंगल से शूट कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आप स्टिचिंग वीडियो शूट करते हो, लाइक फुल वीडियो कटिंग भी करते हो और स्टिचिंग भी करते हो, तो आपके पास दो ट्राईपॉड, दो स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक ट्राईपॉड जो है वो कटिंग टेबल के पास रखो और दूसरी ट्राईपॉड आप मशीन के पास रखो। इसे आप जल्दी जल्दी शूट कर सकते हो। वैसे भी हमें ड्रेस बनाने में टाइम लगता है, फिर आप ट्राईपॉड एक बार इधर करोगे उधर करोगे तो और भी टाइम वेस्ट होगा। और यहाँ पर मैंने घर पे बड़ी बड़ी फ्लिप्स की लाइट लगाई है, 4 लाइट है और 2 ट्यूबलाइट्स है, 1 रिंग लाइट है। अब देखिए, टेबल से इतनी ऊपर हमारी मोबाइल रहती है, तो हमें स्क्रीन नहीं दिखता। टेबल के पास जो मोबाइल है वो मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर लेती हूँ, तो ये देखिए मैं देख सकती हूँ अभी फैब्रिक मूव हो रहे हैं या नहीं, फैब्रिक किधर पे है। मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर लेती हूँ, तो मुझे मोबाइल का स्क्रीन रियल टाइम में लैपटॉप में दिखता है, तो मैं बीच बीच पे चेक करती रहती हूँ कि सूट सही से हो रहा है या नहीं। अब मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ कैमरे के बैक में क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको
सबसे पहले ये कीबोर्ड है जो कि भाई और पापा बजाते हैं और यहाँ पर गिटार भी है। सो अब मैं आपको एक गाना प्ले करके सुनाती हूँ। मुझे बजाना नहीं आता, बस एक ही आता है, शाहरुख खान का गाना है। अब मैं थोड़ा भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बजाकर सुनाए आपको। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।